की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। दरअसल लालू ऑडियो कांड पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। ललन पासवान ने एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव की आवाज सुनाई दे रही थी, जिसमें वो ललन पासवान को प्रलोभन दे रहे थे कि वो आरजेडी का साथ दे, एब्सेंट हो जाए उस दिन की कार्रवाई से। तमाम तरीके की बातें इस ऑडियो टेप में सामने आई थी। ललन पासवान ने अब ये एफआईआर दर्ज करा दी है। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ जेल से फोन को लेकर ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसको लेकर सियासी भूचाल कल आ गया था। ये कहा जा रहा था कि लालू प्रसाद यादव रिम्स में भर्ती होने के बावजूद इस तरीके से तमाम विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ललन पासवान को भी इसी तरह का प्रलोभन उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि आप विधानसभा की कार्रवाई से एब्सेंट हो जाएं, जिस समय स्पीकर का चुनाव हो उस समय वहां पर मौजूद ना हो, और आने वाले वक्त में अगर आरजेडी सरकार में आती है तब आपको उपयुक्त पद दिया जाएगा। इस तरह की बातें इस ऑडियो टेप में साफ सुनाई दी थी। रोहित सिंह हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, अब सिर्फ ललन पासवान तक बात सीमित नहीं रह गई है, अब तो हम भी यही कह रहे हैं, जीतन राम मांझी भी यही कह रहे हैं कि जेल हो या फिर अस्पताल हो, वहां से सियासत हमेशा ही लालू प्रसाद यादव चलाते रहे। जी देखिए नेहा, मैं आप बताऊं कि लालू प्रसाद की मुश्किलें अचानक से पिछले 24 घंटे में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। सबसे पहले उन्होंने ललन पासवान को जिस तरीके से एब्सेंट होने के लिए कहा था और उनको मंत्री पद ऑफर किया था, उस मामले में लालू की मुश्किलें बढ़ी हैं, क्योंकि ललन पासवान ने अभी कुछ देर पहले पटना के विजिलेंस थाने में लालू प्रसाद के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करा दिया है और उसमें आरोप लगाया है कि वो एक जनप्रतिनिधि को मंत्री बनाने का लालच दे रहे थे, उन्हें बहुत किस्म के प्रलोभन दे रहे थे, और इसी आरोप में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत लालू प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है ललन पासवान ने। और दूसरी तरफ इसी ऑडियो कॉल से अब ये नतीजा निकला है कि अब लालू प्रसाद को झारखंड सरकार ने भी उनके केली बंगलों से जो है वहां से उन्हें शिफ्ट वापस कर दिया है रिम्स के पेइंग वार्ड में, जहां पर पहले लालू रह रहे थे और कुछ दिन पहले कोरोना के कारण उनको केली बंगलों में शिफ्ट किया गया था। लेकिन इस ऑडियो कंट्रोवर्सी के बाद जो है अब झारखंड सरकार ने भी कार्रवाई की है और वापस से लालू प्रसाद को बंगलों से निकालकर केली रिम्स के पेइंग वार्ड में ला दिया है। तो जाहिर सी बात है ये दो बड़ी खबरें हैं लालू प्रसाद को लेकर, लालू की मुश्किलें इस ऑडियो कन्वर्सेशन के बाद जो है वो काफी बढ़ गई है। बने रही रोहित हमारे साथ। इस बीच वो ऑडियो भी अपने दर्शकों को सुना देते हैं, जिस ऑडियो में कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव की आवाज आ रही है, और इस ऑडियो की हालांकि पुष्टि आज तक नहीं करता है। हाँ पासवान जी बधाई जी, प्रणाम, चरण स्पर्श साहब क्या ठीक है? खुश रहे, खुश रहे जी। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे, वहाँ अब बढ़े बने, तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे, कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ तो पार्टी में नहीं सर, अच्छा पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, कोरोना हो गया था फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी, आपके संज्ञान में होगा ही सर, चेहरा हम बात करेंगे सर, ठीक है, ठीक है।